चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस और पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और उनके आंसर विस्तार में बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 16 टेस्ट अभी तक आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 17वां टेस्ट है, ठीक है? कौन सा? 17वां टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक आपको बात बता दूं कि इस तरह के इस प्रकृति के क्वेश्चंस आपके जिस भी परीक्षा में पूछे जाएं, फिर चाहे एमपीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या आपका बिहार पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें आपके या तो वो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, या पूछना है कि आगे पूरी संभावना है, ठीक है? और याद रखिए, इससे पहले कि जितने भी आपके टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट सीरीज फॉर आईएएस पीसीएस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी कि संगठन को भंग कर दिया गया? यानी कि अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद किस संगठन को भंग कर दिया? वन्य जीव जंतु व वनस्पतियों की संकटपूर्ण प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय? नहीं, इसे नहीं। वन्यजीव व्यापार निगरानी तंत्र? इसे भी नहीं। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभी समय? ये भी अभी है, अभी तो। वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध संगठन? इसे आपका खत्म कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, यानी कि भंग कर दिया गया। किसे? डी ऑप्शन। इसमें क्या होगा? डी। याद रखिए, जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में हम लोग सभी को कवर कर चुके हैं, और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सब संगठन आपके डाल दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई संगठन छूटा है तो उसका नाम बताइए, हम लोग कवर कर देंगे। आपका पूरा सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए पूरा कवर करवाया जाता है विस्तार से। और इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि संगठनों से क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं आपके, फिर चाहे आप प्रीलिम्स में देख लीजिए, फिर चाहे आप लोग मेंस में देख लीजिए, हर जगह आपका क्वेश्चंस बनता रहता है इससे। तो बताइए, आप लोग पढ़िए, और अगर कोई कमी रह गई हो तो बताना, उसे भी कवर कर देंगे। अभी हम लोग थोड़ी वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध संगठन यानी कि CAWTA के बारे में जान लेते हैं। WTA के बारे में, वन्यजीव और उससे संबंधित उत्पादों की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोगों और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सन 2005 में, कब? सन 2005 में एक स्वैच्छिक संगठन की पहल की गई थी जो समान विचारधारा और उद्देश्यों वाले सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित था, और इसे हम लोग वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन का नाम देते थे। इसके भागीदार सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि CAWTA ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और सदस्यों को वन्यजीव तस्करी से निपटने के लिए अन्य पहलों में निवेश करने हेतु विघटित किया जाना चाहिए, यानी कि भंग किया जाना चाहिए। तो इसे भंग कर दिया गया है, ठीक है? आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन अगला? मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या है? कृषि गतिविधियों में वृद्धि मरुस्थलीकरण के कारणों में से एक है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि मरुस्थलीकरण के कारणों में से एक है। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ये आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा है आपने कि पहला केवल कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। इस पॉइंट को आप या तो पहले पढ़ सकते हैं या फिर बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे आपने इसे पढ़ लिया उसके बाद इस कथन को पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उसके बाद आप कथन पढ़ सकते हैं इनको। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, जिसमें सहूलियत हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बस इस कथन को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ दिया होता कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देखते कि दूसरा कथन सही नहीं है, पहला सही है, तो आप बी ऑप्शन लगाते, ठीक है? तो इसमें क्या है? ए ऑप्शन। दूसरा कथन क्यों गलत है इसकी बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपजाऊ भूमि के मरुस्थल भूमि में तब्दील होने की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए 1 जून 1994 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर
चर्चा के बाद एक वैश्विक संधि तैयार की गई जिसे दिसंबर 1996 में लागू कर दिया गया था। कब? दिसंबर 1996 में लागू कर दिया गया था। सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण की समस्या को हल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी यह एक एकमात्र फ्रेमवर्क है, बाध्यकारी है, ठीक है, याद रखिए। भारत की बात करूं तो अक्टूबर 1994 को इस संधि में शामिल हो चुका है और दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। तो याद रखिए भारत इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखिए एक बात को। और अगर हम लोग मरुस्थलीकरण के कारणों की बात करें, किसके कारण, तो आप देखेंगे इसमें जनसंख्या दबाव भी शामिल है, पशुओं की संख्या में वृद्धि, बढ़ती कृषि गतिविधियां, विकास गतिविधियां और निर्वनीकरण ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। अगर हम लोग मरुस्थल के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, तो आपको राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी, ठीक है, इस समय इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो इसमें आपका केवल एक सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त संयुक्त क्रियान्वयन पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संयुक्त क्रियान्वयन पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके सदस्य देशों के लिए उत्सर्जन में कमी करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी लक्ष्य तय करता है। इसकी मान्यता 150 वर्षों से अधिक समय से हुई औद्योगिक गतिविधियों के कारण वर्तमान में जो पर्यावरण में हरितगृह गैसों के उच्च स्तर पर उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से विकसित देश ही हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत विकसित देशों पर भारी जिम्मेदारी डालता है। आप देखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1987 को जापान के क्योटो शहर में अंगीकृत किया गया था और ये आपका 16 फरवरी 2005 को प्रभावी रूप से लागू हुआ। कब? 16 फरवरी 2005 को। तो याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने क्या है क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा देश मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलेज CMC विलयन, जैसे सेल्यूलोज गम के नाम से हम लोग जानते हैं, का प्रयोग करने के कारण चर्चा में रहा है अभी? तो ये आप देखेंगे, ये है चीन। क्या है? चीन। चीन के चोंग किंग जियाओटोंग विश्वविद्यालय के विज्ञानिकों ने एक ऐसा पेस्ट बनाया है जो उसी पदार्थ से बना है जो पौधों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। इसे आप बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, ठीक है। यह पदार्थ पौधों को बढ़ने में सहायता करता है और संरक्षण भी देता है। तो ये चीन है, ठीक है, याद रखें चीन को। आपने 15 सितंबर 2017 को देखा होगा कि एक नई तकनीक को मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में पेश किया गया था। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि 100 से अधिक देशों ने हिस्सा भी लिया था और 2030 तक मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। ग्लोबल टाइगर फॉर्म एकमात्र अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है। बिल्कुल सही है। ग्लोबल टाइगर फॉर्म का सचिवालय ढाका में अवस्थित है। ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपने देखा है केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि इसका सचिवालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1994 में स्थापित की गई थी। कब? 1994 में। तो याद रखना, इसकी बैठक कब होती है? आम सभा 3 साल में एक बार होती है इसकी।
बैठक आम सभा, और इसका सचिवालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके लक्ष्य की अगर बात करें तो बाघ संरक्षण के लिए तार्किक नजरिए को अपनाना और बाघों, उनके आवासों के संरक्षण और उसके शिकार पर रोक लगाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ढाका की जगह नई दिल्ली कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। बेसल अभी समय खतरनाक अपशिष्टों से की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करने और उनके निस्तारण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। मिनी माटा अभी समय मरकरी और इसके यौगिकों से मानव एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। सही कथन बताना है हमें। तो आपने देखा है, एक कथन भी सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। खतरनाक अपशिष्टों की निर्बाध आवाजाही को नियंत्रित करने और उसके निस्तारण हेतु आपने देखा होगा कि बेसल अभी समय 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल में अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1989 को। कहाँ? स्विट्जरलैंड के बेसल में, ठीक है, याद रखिए। और मरकरी पर मिनीमाटा अभी समय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जैसे मरकरी और मरकरी के यौगिकों के प्रदूषण उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य और तो पर्यावरण की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है इसे। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और आसन्न पर्यावरण में मरकरी के प्रसार के लिए उत्तरदायी प्रमुख गतिविधियों में कमी लाकर मरकरी प्रदूषण को कम करना है। इस अभी समय का नाम जापान शहर मिनीमाटा के नाम पर रखा गया है। किसमें? जापान का एक शहर है मिनीमाटा, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही थे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कैसा है सी ऑप्शन? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? ओजोन परत संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ओजोन परत संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भागीदार है लेकिन वियना कन्वेंशन का नहीं। गलत। क्या है? गलत है कथन हमारा। दूसरा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी है। बिल्कुल सही है। HFC को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए किगाली संशोधन द्वारा वियना कन्वेंशन में संशोधन किया गया था। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं केवल इसमें दूसरा कथन सही है, बाकी 1 और 3 आपका गलत है। 1, 3 गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि आप देखें कि भारत वर्ष 1991 को ओजोन परत संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन और सितंबर 1992 को ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का हिस्सा बना। वैसे तो आपने देखा होगा कि बेना कन्वेंशन वर्ष 1985 में स्वीकार किया गया था और 1988 से लागू हुआ था, ठीक है, किसके लिए? ओजोन परत की रक्षा के लिए। तो याद रखिए, इसमें याद रखिए कि भारत बेना कन्वेंशन में शामिल कब हुआ? 1991 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1992 में। कई बार बन चुका होता है क्वेश्चन, बनने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। और किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में संशोधित किया गया था। शुरू में आपने देखा होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ शामिल थे। किगाली संशोधन के बाद इसमें HFC भी शामिल हो गई, और जो ओजोन की कमी और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किगाली समझौता वर्ष 2019 में से संबंधित देशों पर बाध्यकारी था। बाध्यकारी, बाध्यकारी का सीधा सा मतलब होता है कि इसे आपको मानना होगा, आपकी इच्छा पर वो छोड़ा नहीं जाएगा कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मत मानिए, आपको करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्या था? दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। रामसर अभी समय के अनुसार निम्नलिखित में किन्हें आदभूमि माना जा सकता है?
रामसर अभी समय के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें आद्भूमि माना जा सकता है? कम गहराई वाली समुद्री जल, मत्स्य तालाब, धान के खेत, नमक के मैदान, इन चारों को माना जा सकता है। क्या चारों को माना जा सकता है? सही कूट चुनकर में उत्तर देना है, यानी कि आपके चारों इसमें होंगे। क्या होंगे? चारों सही होंगे। आदभूमिया सबसे विविध और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। वे आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं और स्वच्छ जल की संपूर्ण रूप से आपूर्ति भी करती हैं। इस कन्वेंशन में आदभूमियों की एक व्यापक परिभाषा का उपयोग किया गया है। इसमें समाहिष्ट देखेंगे आप सभी झीलें, नदियां, भूमिगत जल संभर, दलदल, आर्द्र घास भूमिया, पीट भूमिया, ओएसिस, एस्चुरी, डेल्टा तथा ज्वारीय मैदान, मैंगोव, अन्य तटीय क्षेत्र, प्रवाल भीतियाँ, मानव निर्मित स्थल जैसे मत्स्य तालाब हो गया, जलाशय हो गया, नमक के मैदान हो गए, इन सभी को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? डी ऑप्शन। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मॉन्टियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह ओजोन परत के संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सही है। भारत मॉन्टियल प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। ए भी है, मतलब भारत ने भी इसे अपनाया हुआ है, भारत भी इसमें शामिल है। सही उत्तर हमें चुनना है। तो आपका एक कथन भी सही है और दूसरा भी सही है। आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत 1991 में बेना कन्वेंशन का हिस्सा हुआ था और 1992 में ये मॉन्टियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना भारत। ठीक है, याद रखना है इसमें। भारत 1992 में आपका मॉन्टियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश बना है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, हर बार आप देखते हैं इस तरह के एक नए क्वेश्चंस आता रहता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है हमारे सामने, सिक्योर हिमालय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिक्योर हिमालय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन चुनना है आपका। यह एक 6 वर्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य उच्च हिमालयी पारितंत्र में स्थानीय और वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि तथा वन संसाधनों का संरक्षण करना है। बिल्कुल सही है आपका। क्या है? सही है आपका। दूसरा कथन है हमारा, सभी हिमालय राज्य यथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इसके दायरे में आते हैं। ये आपका गलत है। याद रखिए कई जगह आपको जम्मू कश्मीर अभी भी लद्दाख को अलग से दिखाया नहीं जाता है। तो याद रखिए 2021 के बाद ये पूरी तरह से आपको इसके आंकड़े भी आ जाएंगे, जो आपकी सेंसिस आएंगे यानी कि जनगणना हो गई 2021 की, और अंतिम आंकड़े आएंगे उसमें सब कुछ अलग अलग बताया जाए। तो अभी कई जगह आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को अकेले ही रख दिया जाता है एक जगह, तो इसमें ज़्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। यह परियोजना मुख्य रूप से हिम तेंदुआ तथा अन्य संकटपन्न प्रजातियों, उनके अधिवासों का संरक्षण और लोगों की आजीविका की सुरक्षा पर केंद्रित है। ये आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है? सही उत्तर पूछ रहा है। तो एक भी सही है आपका और तीसरा भी सही है, केवल दूसरा इसमें गलत है। दूसरा गलत क्यों है? अगर इसकी बात करें हम लोग, तो केंद्र सरकार ने आप देखेंगे कि 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम में फैले उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सिक्योर हिमालय नामक एक 6 वर्षीय योजना आरंभ की है। तो
ठीक है, याद रखिए। इसे केंद्रीय वन पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से शुरू किया गया है। तो याद रखिए, किसने? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इसे शुरू किया गया है आपका। तो इसमें आपका 1 और 3 सही था, 1 3 सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है इसमें, यह एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडे को निर्धारित करता है और सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के अनुकूल कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। ये आपका बिल्कुल सही है। UNEP जैव विविधता पर सम्मेलन और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन के सचिवालयों की मेजबानी करता है। ये भी आपका सही है, सही कथन आपको चुनना है। तो इसमें आपका एक भी सही है और दूसरा भी सही है। UNEP के बारे में अगर बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 5 जून 1972 को हुआ था। इसका आपको नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात और याद रखिए, 5 जून को आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? दोनों कथन, ए बी दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ट्रैफिक, तो इसमें पहला कथन है, ट्रैफिक एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्यजीव एवं पादप व्यापार पर वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहा है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ट्रैफिक का लक्ष्य 2020 ट्रैफिक का 2020 लक्ष्य जैव विविधता पर अवैध एवं अस्थिर वन्यजीव व्यापार के दबाव को कम करने में मदद करना, वन्यजीव संरक्षण तथा मानव कल्याण के लाभ को बढ़ावा देना जो धारणीय स्तर पर व्यापार से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें दूसरा कथन आपका कैसा है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है, ट्रैफिक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। याद रखिए, ट्रैफिक के बारे में अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब? 1976 में, जो वैश्विक विशेषज्ञ संरक्षण चुनौतियों की पहचान करने के लिए प्रयास करती है और जंगली जानवरों और पौधों में व्यापार से जुड़े संवर्धन समाधानों के लिए अग्रणी एवं सहायक के रूप में अनोखी भूमिकाएं निभाती है। ठीक है, तो इसमें आपके तीनों कथन, सॉरी माफ करिएगा, एक कथन भी सही है इसमें, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तीसरे पर गलती से गलत चिन्ह लग गया था। तो इसमें आपके तीनों सही है। याद रखिए, अगर आपको कभी इस तरह का मैं धोखे में बता देता हूँ, वैसे तो कोशिश रहती है कि आपको सही ही बताया जाए, फिर भी अगर बता देता हूँ तो थोड़ा विस्तार से नीचे लिख दिया करिएगा, जिससे अगर दूसरा आता है तो वो आराम से इसे पढ़ ले और समझ ले। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी डी ऑप्शन। क्या तीनों कथन आपने देखे हैं? सही है।
तीनों कथन बिल्कुल सही है हमारे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में किन्हें मरुस्थलीकरण का कारण माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें मरुस्थलीकरण का कारण माना जा सकता है? शुष्क और गर्म जलवायु दशाएं, ग्लोबल वार्मिंग और निर्वनीकरण, अनुचित खेती के माध्यम से भूमि का अतिदोहन, अधिक चराई। इनमें से किन्हें मरुस्थलीकरण का कारण मान सकते हैं आप लोग? चारों को मान सकते हैं। क्या चारों को हम इसे मान सकते हैं? तो इसमें आपका क्या लगाएंगे? सही, डी, चारों सही हैं। 1 2 3 4 चारों कैसे हैं? सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? आर्द्र भूमियों यानी कि बेट लैंड पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और वर्ष 1971 में हस्ताक्षर हुए थे इस पर। कैसा है, सही है या गलत? बिल्कुल सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आद्य भूमि स्थलों पर रजिस्टर जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या फिर अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या फिर होने की संभावना है, उसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत यानी कि कन्वेंशन में शामिल है। ये भी बिल्कुल सही है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। रामसर वेट लैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आपका आद्य भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है आपकी। कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और वर्ष 1975 में ये लागू हो चुका था। कब? 1975 में। ठीक है, अगर भारत की अगर आपसे पूछे तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को भारत में कन्वेंशन लागू हुआ। 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका पूछ लेगा, डेट भी पूछ सकता है भारत की। तो इसमें आपके तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, घातक पदार्थों की सीमा पार आवागमन तथा निष्पादन से संबंधित पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। घातक पदार्थों की सीमा पार आवागमन यानी कि एक सीमा से दूसरी सीमा जाने और निष्पादन से संबंधित कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बैसल कन्वेंशन घातक पदार्थों के सीमा पार संचलन व नियंत्रण और उनके निस्तारण से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल सही है। भारत ने बैसल कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की और इस कन्वेंशन पर पक्षकार भी नहीं है। ये आपका बिल्कुल गलत है। बैसल कन्वेंशन राष्ट्रीय सीमाओं में अपशिष्टों के संचलन के लिए नोटिस सहमति निगरानी हेतु एक कठोर नियमों को लागू करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो आप देख रहे हैं कि एक कथन सही है और तीसरा भी आपका सही है, लेकिन इसमें दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत बेसल कन्वेंशन पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, यानी कि भारत भी इसमें शामिल है, लेकिन अभी तक कन्वेंशन का पक्षकार नहीं बन पाया है भारत। ठीक है, क्या पक्षकार नहीं बन पाया, लेकिन इसमें शामिल जरूर है। तो एक बात और याद रखिए, घातक पदार्थों की सीमा पार आवागमन और निष्पादन से संबंधित बेसल संधि को आपका 22 मार्च 1989 को, 22 मार्च 1989 को पेलिनी पोटेसेरिस सम्मेलन यानी कि बेसल स्विट्जरलैंड में स्वीकृत किया गया था इसे।
22 मार्च 1989 को। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? सी ऑप्शन आपका 1 और 3 बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत था, क्योंकि भारत बेसल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो कर चुका है लेकिन अभी तक इसका कन्वेंशन का पक्षकार नहीं बन पाया है अभी इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। इसके संकलन का कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा कराया गया, बिल्कुल गलत है। इसे 1857 के विद्रोह की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जारी किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है दूसरा आपका बिल्कुल सही है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिए इसे। इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही है, बिल्कुल दूसरा कथन इसमें सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल सिम कार्ड के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्चुअल सिम कार्ड के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका? यह एक कंप्यूटर जनित संख्या है, यह है एक कंप्यूटर जनित संख्या है, बिल्कुल सही है। यह वॉइस कॉल और SMS को डेटा वाईफाई कनेक्शन पर स्थानांतरित करता है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक भी आपका सही है और दूसरा भी आपका सही भी है, एक दो दोनों सही हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ आप लोग? इसमें लगा हुआ आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। गोल्डन हाइट्स समाचारों में रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? इससे क्वेश्चन आपके कई बार बन चुके हैं। गोल्डन हाइट्स समाचारों में रहा है, इसमें निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती इससे? तो आप देखेंगे मिस्र की नहीं लगती है, सीरिया की लगती है, लेबनान की लगती है, जॉर्डन की भी लगती है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? ए ऑप्शन। गोल्डन हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में इजराइल और सीरिया की सीमा पर 1800 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का एक पथरीला पठार है। यह इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रखिए। और आप देखेंगे कि वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गोल्डन हाइट्स, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और यह युद्ध विराम रेखा की स्थापना हुई। यह क्षेत्र इजराइल के सैन्य नियंत्रण में आ गया, किसके? इजराइल के। इसलिए और आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले घोषणा भी की थी कि अमेरिका गोल्डन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दे सकता है, यानी कि देता है, एक तरह से आप सोचिए कि उसका क्षेत्र है, ये कह सकता है, समझ रहे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने, गैर परिवर्तनीय रेड पथ NCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। रेड पथ अल्पकालिक वित्तीय साधन होते हैं जो कंपनियों द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं, गलत है। कैसा है? ये गलत है आपका। जिन रेड पत्तों को शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग गैर परिवर्तनीय रेड पत्त कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। सही कथन चुनना है हमें, तो केवल दूसरा इसमें सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि रेड पत्त दीर्घ अवधि के वित्तीय साधन होते हैं जो कंपनियों द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? कंपनियों के द्वारा, ठीक है, याद रखिए इसे। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय वायुसेना ने लैंग कोबी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरो एक्सपो, जिसे आप लोग लीमा के नाम से भी जानते हैं, इसमें भाग लिया। इस एक्सपो के दौरान पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित LCA तेजस लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह एक्सपो आयोजित किया गया था? तो ये मलेशिया में किया गया था। कहाँ?
मलेशिया में किया गया था, ठीक है, किसमें, मलेशिया में किया गया था। इस तरह के आपके जो भी सैनिक अभ्यास होते हैं इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे ले लिए जाते हैं कि किन किन देशों के बीच है, कहाँ हुआ है। तो जब भी जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल वैसे देखते रहा करिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने अगला, प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगभेद की नीति की समाप्ति की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गलत है, क्या है, गलत है आपका। और इससे वर्ष 1966 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। ये आपका बिल्कुल सही है, सही उत्तर चुनना था। तो केवल दूसरा आपका सही था, पहला आपका गलत था, क्योंकि आप देखेंगे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में इस रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए इसे अपनाया गया था। और इसमें क्या देखा जाता है कि अभी भी आप देखते हैं अमेरिकी क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी कुछ समय पहले आपने देखी थी, यहाँ भी अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि रंगभेद की नीति अभी भी चालू है। तो ऐसे ही के ख़त्म करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था इसे, और 1966 से ये मनाया जा रहा है। तो इसमें आपका दूसरा केवल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने, नवरोज पारसियों का नववर्ष उत्सव है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है? जो आप लोग नवरोज मनाते हैं ना, ये पारसियों का नववर्ष त्यौहार उत्सव, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे यूनेस्को के अंतर्गत भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है, सही है। यह वसंत की शुरुआत और विषव के दिन को चिन्हित करने के लिए 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। सही कथन हमें चुनना है, क्या, सही कथन। तो आप देख रहे हैं एक कथन भी सही है, दूसरा भी कथन सही है, दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉल आर्मी वर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फॉल क्या है, फॉल आर्मी वर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः मक्का का उपयोग करती है, यह भी आपका सही है। यह भारत में नहीं पाई जाती है, ये आपका कैसा है, गलत है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि ये भारत में भी पहुंच चुके, यानी कि भारत में भी ए है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। ए मक्के का भक्षण करते हैं, किसके, मक्के का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है, वर्ष 2019 का एवेल पुरस्कार पहली बार एक महिला करेन ओलेन बेक को दिया गया, एवेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं इसे आप लोग, सी ऑप्शन सही है। याद रखिए पहली बार किसी महिला को दिया गया है, ठीक है, इनका नाम है करेन ओलेन बेक, इनका नाम आपको याद रखना है। उन्हें ज्यामितीय आंशिक अवकलन समीकरणों, गेस सिद्धांत और पूर्णांक प्रणालियों में अपने काम और विश्लेषण, ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर उनके काम के मौलिक प्रभाव के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। एबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो नॉर्वे सरकार द्वारा सन 2002 में 19वीं शताब्दी के नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नेल्स हेनरिक एबेल की
200वीं जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण और गहन विश्लेषण तथा प्रभावपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए से दिया जाता है। इसके तहत आप देखेंगे 6 मिलियन नॉर्वियन कॉर्नर की राशि दी जाती है। 2003 से आप देखेंगे ये हर साल दिया जाता है किसी ना किसी को। क्वेश्चन है हमारे सामने, वैक्वाटा फोर पोइज, यह तब समाचारों में था जब यह मैक्सिको तट पर मछली पकड़ने के जाल में मृत अवस्था में पाया गया। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है और इसकी आंखों के चारों ओर विशिष्ट काले घेरे के कारण इसे समुद्री पांडा भी हम लोग कहते हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे यह जलीय स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। इसे मुख्यतः टोटोवा मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होने वाले गिल नेट से खतरा है, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो आपके दोनों कथन सही है। इसमें आपको देखेगा कि वैक्वाटा पोरपोइज महासागर के सबसे छोटे सेटासीन जीव हैं। ये केवल आपके कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी में, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद एक बार अच्छे से मिलाकर इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए 18वें टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। ये 17वां था आपका।